शो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू टैक सीख में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए कमाल की ट्रिक लेके आ गया हूँ, जिसके मदद से यहाँ पे आप एक साथ दो दो ब्राउजर चला सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी ब्राउजर लेते हैं, उसका उसमें सिर्फ आप एक ही ब्राउज कर सकते हैं, या कि मिनिमाइज करके आप दूसरे ब्राउज को ओपन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज की ट्रिक में आप एक साथ दो दो ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वो कौन सी एप्लीकेशन, कहां से डाउनलोड करना है, क्या क्या सेटअप करना है, यूज कैसे करना है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो के स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ताकि जो कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊं आपको प्रॉपर रूप से अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट। मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं न्यू टैक अभिषेक। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें लाइक के बटन दिखाई दे रहे हैं, सिंपली उसको प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए और आप वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको कमेंट सेक्शन दिखाई देगा, तो वहाँ पर सिंपली आपको लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा लिख दीजिए, अगर नाइस लगा नाइस लिख दीजिए, बैड लगा बैड लिख, अगर आपको कुछ इसमें पूछना होता है यहाँ पे आप लिख के उसको सेंड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं वापस बैक आ जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सिंपली आपको इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है ड्रुअल ब्राउजर। तो फ्रेंड्स, इसकी लिंक छोड़ दी मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन, तो फिर वहां से जाके आपको इजीली इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करें, कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको डाउनलोड करके सिंपली से आप इसको ओपन कीजिएगा। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो ब्राउजर एक साथ ओपन होते दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आप एक ब्राउजर में फेसबुक को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फेसबुक ओपन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आप एक ब्राउजर में यहाँ पे आप यूट्यूब ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप यूट्यूब भी ओपन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों ब्राउजर का फायदा एक साथ आप उठा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे एक में यूट्यूब चल रहा है और ये दूसरे वाले ब्राउजर में यहाँ पे मैं जो भी चाहूँ यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। मतलब एक साथ दो दो ब्राउजर का मजा उठा सकते हैं इस छोटी सी एप्लीकेशन से। थैंक यू फ्रेंड्स।